गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर न्यू फिजिक्स का, द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ह्यूमन आई में सबसे पहले हमें पढ़ना है ह्यूमन आई किस तरह से, उसका स्ट्रक्चर है क्या, उसकी वर्किंग है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो फर्स्ट है हमारा द ह्यूमन आई। ह्यूमन आई वर्क ऑन द रिफ्रैक्शन। ऑलरेडी हम लाइट चैप्टर पढ़ चुके हैं, मैं उसमें आपको रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ। रिफ्लेक्शन का मतलब है, मान लीजिए कोई मिरर है, ठीक है, जब कोई लाइट उस मिरर पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट होती है, दैट इज द रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या था कि जब दो डिफरेंट मीडियम होते हैं तो एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तो वो अपनी प्लेस से थोड़ी सी क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट होती है। दैट्स वाई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस कभी भी इक्वल नहीं होता, जबकि रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारी ह्यूमन आई है वो किस टाइप की है, वो रिफ्रैक्शन शो करती है ना कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्ट होती है बिकॉज ऑफ लेंस, क्योंकि हमारी आई में भी क्या लगा हुआ है, लेंस लगा होता है। देखिए, ह्यूमन आई वर्क ऑन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। कभी अगर आपने अपनी आई को छू के देखा होगा तो आप देखिए, महसूस कीजिए वो उभरी हुई है, उभरी हुई इन द सेंस कुछ इस टाइप की वो वहां पर नजर आ रही है, ठीक है। तो ये जो उभरा हुआ है, दैट इज किस टाइप का लेंस है हमारी आईज में, कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट है हमारी आई के अंदर। तो उन्होंने वही कहा है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल। नॉर्मली जो लेंस हम लोग लैब में पढ़ते हैं, क्लास में पढ़ते हैं, वो ग्लास के होते हैं, लेकिन हमारी आई के अंदर जो लेंस लगा है वो किस टाइप का है, ट्रांसपेरेंट लिविंग मटेरियल का बना है, अनेबल अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, और जो कि हमें हेल्प करता है हमारे चारों तरफ जो भी थिंग्स प्रेजेंट है उन्हें देखने में, ठीक है। तो कुछ किस टाइप का स्ट्रक्चर है, आप देखेंगे आई का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा। पहले हम स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे, तो दैट्स वाई देखिए ये आई का स्ट्रक्चर है। आई में सबसे आउटर पर क्या प्रेजेंट है, कॉर्निया प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये क्या है, कॉर्निया है। कॉर्निया भी आप देखेंगे कैसा है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह उभरा हुआ है, बल्बी है, आउटवर्ड बाहर की तरफ, जिस तरह से मैंने आपको अभी यहाँ पर ही शो करके बताया कैसा है, ये उभरा हुआ है बाहर की तरफ है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह कॉर्निया भी हमारी आई में नजर आ रहा है। ठीक कॉर्निया के बैक में क्या है, आयरिस प्रेजेंट है। ये देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दैट इज आयरिस, ठीक है। कॉर्निया की आयरिस देखिए, इतने पार्ट में आयरिस का पार्ट नहीं है, ब्लैंक है, और यहाँ पे ब्लैक कलर प्रेजेंट है, ठीक है। और यहाँ पर लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, यहाँ पर कलर्ड रिंगिंग है आयरिस में, जिसके थ्रू लेंस तक पहुँचती है लाइट एंड देन वो एक इमेज फॉर्म करती है और स्क्रीन पर शो करती है, लेकिन इतने पार्ट पर क्या है, ब्लैक कलर है, यहाँ पर लाइट क्या नहीं होती, रिफ्रैक्ट नहीं होती। ठीक आप कॉर्निया के बैक में ये जो हमने आयरिस वाले के पार्ट के बीच में जो ब्लैंक पार्ट बताया, जिसे हमने ब्लैक बताया, दैट इज द पिपल। क्या है वो, पिपल। देखिए ये दैट इज कॉर्निया, दैट इज आयरिस, एंड ये जो ब्लैंक पार्ट है ये हमारा क्या है, पिपल कहलाती है। कॉर्निया के ठीक बैक में लेंस प्रेजेंट है, जो कि मैंने आपको बताया ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, लिविंग मटेरियल का बना हुआ है। और इसकी खासियत क्या है, ये कभी भी थिन थिक हो सकता है। क्यों हो जाता है थिन और थिक, बिकॉज ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स और दूसरे सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल्स क्या हो जाती हैं, ऊपर की तरफ खिंच जाती हैं तो लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है, और वापस अपने पोजिशन पर आ जाते हैं तो लेंस क्या ज़्यादा थिक हो जाता है, बिकॉज ऑफ सस्पेंशनरी लिगमेंट्स के थ्रू आपकी जो सिलेरी मसल्स हैं उसको अप एंड डाउन करती रहती है, जिसकी वजह से हमारा जो आई का लेंस है वो छोटा बड़ा या आप कह सकते थिन एंड थिक अगेन एंड अगेन इसमें कन्वर्ट होता रहता है। ठीक इसके पीछे आप देखेंगे रेटिना है लेंस के बैक में। ये जो रेटिना है, जिस तरह से हमने आपको पढ़ाया था कि लेंस है, ठीक है, और यहाँ पर स्क्रीन प्रेजेंट होती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर हमारी स्क्रीन है, जहाँ पर जो इमेज हमारी लेंस बनाएगा वो स्क्रीन पर बनती है। रेटिना की क्या खासियत है, रेटिना की खासियत है ये फर्दर एक डेलिकेट मेम्ब्रेन से मिलकर बनी है, जहाँ पर रोड और कॉन्स हैं, जिनका मेन काम है, रोड का काम मेन क्या होता है कि वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को पिकअप करती है, और कॉन्स का मेन काम होता है कलर, कि वो कलर की इंटेंसिटी को पिकअप करता है, मतलब कलर किसकी वजह से शो होता है हमें किसी भी चीज़ का, बिकॉज ऑफ कॉन्स, एंड रॉड का मीन लाइट को, लाइट की इंटेंसिटी को पिकअप करना। तो रेटिना इस डेलिकेट मेम्ब्रेन से बनी है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें जो इमेज दिखती है वो किस कलर की है, कितनी डिस्टेंस पे, तो उसकी इमेज छोटी बनेगी, बड़ी बनेगी, वो उस पर डिपेंड करती है।
यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बनाया मैंने, ब्लाइंड स्पॉट। मैंने देखा है कि जो रेटिना है और रेटिना के पास ये ऑप्टिकल नर्व है, जब ये दोनों एक पॉइंट पर आकर मिलती हैं, तो जिस पॉइंट पर मिल रही है वहां पर क्या है, कोई ना तो रॉड है ना कॉन्स है, जिसकी वजह से कोई इमेज यहाँ पर, कोई लाइट यहाँ पर एब्जॉर्ब होकर इमेज की फॉर्मेशन नहीं करती। इसकी वजह से ये एक ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। ठीक है, अब आप एक चीज और नोटिस करेंगे, मैंने दो टर्म्स लिखी है, एक्वस ह्यूमरस और दूसरा लिखा है वर्चुअस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस हमने देखा कॉर्निया और लेंस के बीच में जो पार्ट है वहां पे प्रेजेंट है, ये एक टाइप का वॉटरी लिक्विड है जो कि हमारी आई को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है अगेन एंड अगेन। और ठीक लेंस और रेटिना के बीच में एक वर्चुअस ह्यूमरस प्रेजेंट होता है जो कि हमारी सपोर्ट करता है आई की बैक को। ठीक है, जिसकी वजह से इजीली हमारी आई क्या है, मॉइस्चर जो है इजीली पिकअप रखते हैं और उसमें कभी भी आप देखेंगे फ्री ऑफ मॉइस्चर नहीं होता, हमेशा मॉइस्चर का अमाउंट प्रेजेंट रहता है। और आपने देखा होगा हमारी आई के ऊपर एक आईलिड होती है जो एक शटर की तरह काम करती है, और ये जो शटर की तरह काम करती है उसका मेन काम ये है कि आई में हल्का हल्का मॉइस्चर ऑलवेज प्रेजेंट रहे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे कैमरा भी क्या करता है, कैप्चर करता है इमेजेस को, ठीक इस तरह से हमारी आई भी क्या कर रही है, कैप्चर नहीं कर रही है, फॉर्मेशन कर रही है हमारी आई का लेंस हमारी रेटिना पर इमेज को। तो यहाँ पर हम कैमरे के लेंस और अगर आई के लेंस को आपस में क्या करें, कंपेरिजन करें, तो आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारी आई का लेंस है उसकी जो फोकस लेंथ है वो क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है, लेकिन कभी भी कैमरे के अंदर फोकस लेंथ चेंज नहीं होती। तो ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर किसका है, आई का स्ट्रक्चर है। एक बार चेक कर लेते हैं कि कोई पॉइंट हमारा रहना गया हो। फर्स्ट पॉइंट है हमारा आईबॉल, आईबॉल इस पार्ट को कहा गया है, अप्रोक्सीमेटली स्फेरिकल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या है, एक स्फेरिकल फॉर्म में नजर आता है। अगर आपने कभी देखी हो अपनी आई तो आपकी कैसी, स्फेरिकल रिंगलेस स्ट्रक्चर। डायमीटर 2.5 सेंटीमीटर कहलाता है। फ्रंट पार्ट ऑफ द आई कॉर्निया, जो कि मैंने आपको ये बताया, दिस वन कैसा है, कॉन्वेक्स शेप का है, ट्रांसपेरेंट है एंड बल्जी आउटवर्ड। बल्जी आउटवर्ड क्यों कहा, क्योंकि कॉन्वेक्स की खासियत होती है वो उभरा हुआ होता है बाहर की तरफ, दैट्स व्हाई उसको कहा उभरा हुआ, इसलिए कहा है बल्जी आउटवर्ड। बिहाइंड द कॉर्निया आयरिस, ठीक कॉर्निया के बिहाइंड में सबसे पहले कौन सा पार्ट प्रेजेंट है, ये आयरिस प्रेजेंट है। ठीक है, फ्लैट है, कलर रिंग्स है, शेप्ड मेम्ब्रेन। ठीक है, इन द मिडिल ऑफ आयरिस होल्स, मिडिल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आयरिस प्रेजेंट नहीं है, होल प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई कहा है इन द मिडिल ऑफ आयरिस होल्स, जिसको हमने नाम दिया पिपिल। ब्लैक बिकॉज नो लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट, ये ब्लैक इन कलर है और यहां से कोई लाइट क्या नहीं होती, रिफ्रैक्ट नहीं होती। आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस है, जो कि हमने इसकी बात करी थी, ये किस टाइप का है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह है, दैट्स व्हाई इसको कहा आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस, ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल क्यों कहा, क्योंकि मैं बता रही हूँ बार बार कि फोकल लेंथ यहाँ पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। नॉर्मली अगर आप कैमरे की फोकल लेंथ देखेंगे तो वो चेंज नहीं होती, लेकिन यहाँ पर फोकल लेंथ क्या होती है, चेंज हो जाती है। क्यों चेंज हो जाती है, क्योंकि लेंस सिलियरी मसल्स जैसे अप होती हैं किसी थ्रू, इस सस्पेंसरी लिगामेंट के थ्रू, तो ये लेंस क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। वापस अगर अपनी पोजीशन पे आ जाती है तो वापस थिक हो जाता है। मान लीजिए आपके पास कोई चीज है, जस्ट ये देखिए, सपोज कीजिए ये चीज है, ठीक है, ये आपका लेंस है। अगर मैं इस लेंस को खींच दूंगी तो ये थिन हो गया, वापस इसको अपनी पोजीशन पे कर दूंगी तो ये थिक हो जाएगा। ठीक है ना, ठीक उसी तरह से हमारा लेंस यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हमारी आई का जो लेंस है बिकॉज ऑफ सिलियरी मसल्स एंड सस्पेंशनरी लिगमेंट्स के थ्रू क्या हो रहा है, अप एंड डाउन की तरफ से खिंच जाता है, जिसकी वजह से वो थिन हो जाता है और वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है, वो थिक हो जाता है। तो इसलिए उसको कहा गया है कि आई लेंस कॉन्वेक्स लेंस, ट्रांसपेरेंट, सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल मटेरियल लाइक जेली मेड ऑफ प्रोटीन। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी जो है आई लेंस कैन चेंज इट्स शेप थिन और थिक सिलरी मसल्स बिकॉज ऑफ, किसकी वजह से, सिलरी मसल्स एंड सस्पेंसरी लिगमेंट्स की वजह से, टू फोकस लाइट ऑन द रेटिना, क्योंकि लाइट को क्या कर रहा है, फोकस करता है और रेटिना पर इमेज की फॉर्मेशन को भी करता है। द आई लेंस इज हेल्ड इन द पोजिशन ऑफ सस्पेंसरी लिगमेंट इज अटैच टू लेंस एंड सिलरी मसल्स। देखिए लेंस जो है इस सस्पेंसरी लिगमेंट की वजह से, किससे, सिलरी मसल से और लेंस से आपस में कनेक्ट है, और यही रीजन है कि वो अगेन अगेन थिन और थिक होता रहता है, क्योंकि वो लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है और उसी की वजह हमारी इमेज जो है रेटिना पर फॉर्म होती है। सिलरी मसल चेंज द थिकनेस ऑफ आई लेंस वाइल फोकसिंग
फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, क्योंकि आप सबको पता है कॉन्वेक्स लेंस की क्या खासियत है, वो कन्वर्जिंग लेंस है। क्यों कहा कन्वर्जिंग लेंस? क्योंकि वो जितनी भी लाइट की रे आती है उनको इकट्ठा करती है और इमेज की फॉर्मेशन करती है। तो वही उन्होंने कहा फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस कन्वर्जिंग पावर शो करती है। अगर हम डिफरेंस देखें कैमरा में और अपनी आई लेंस में, तो हम देखते हैं फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज फिक्स्ड, किसमें? कैमरा में। बट हमारी आई का जो लेंस है उसमें जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, चेंज होती रहती है। बिकॉज लेंस क्या है, कभी थिन हो जाता है कभी थिक हो जाता है। तो लाइट की डिपेंड करता है कि किस इंटेंसिटी से लाइट वहाँ पर जो आ रही है, इमेज यहाँ पर कैसी फॉर्म होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, फोकल लेंथ चेंज नहीं होती कैमरे के अंदर, ठीक है। द स्क्रीन ऑन विच द इमेज इज फॉर्म इन द आई, जिसे हमने कहा रेटिना, बिहाइंड द आई लेंस, आई लेंस के ठीक पीछे प्रेजेंट है हमारी रेटिना और यहीं पर इमेज की फॉर्मेशन होती है। द रेटिना डेलिकेट मेम्ब्रेन, कैसी मेम्ब्रेन है, एक टाइप की डेलिकेट है, बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होती है, ठीक है। हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, लार्ज सेंसिटिव सेल्स को कहा गया क्योंकि अगर जिस भी टाइप की यहाँ पर लाइट आएगी उसी टाइप की इमेज की फॉर्मेशन होगी। और उसका रीजन क्या है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, रोड और कॉन्स, ये दो चीज़ें वहाँ पर प्रेजेंट है, जिसमें रोड का काम क्या है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट की पिकअप करना और रोड्स पर्टिकुलर इमेज के किस कलर की है उसको पिकअप करना, ठीक है। विच रिस्पॉन्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड कलर ऑफ ऑब्जेक्ट, जंक्शन ऑफ ऑप्टिकल नर्व एंड रेटिना, ये देखिए रेटिना और ऑप्टिकल नर्व जहाँ पर आपस में मिल रही है वहाँ पर ना तो रोड से ना कोन से, इसलिए इंटेंसिटी ऑफ लाइट वहाँ पर पहुँच ही नहीं पाएगी, तो इमेज की फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं होगी। जंक्शन ऑफ ऑप्टिकल नर्व एंड रेटिना, देयर आर नो लाइट सेंसिटिव सेल्स, नो रोड्स एंड कॉन्स। तो इस स्पॉट को हम बोलते हैं बिहाइंड, सॉरी ब्लाइंड स्पॉट, ठीक है। ठीक हमारी आई के ऊपर मैंने आपको बताया कि शटर, जिसे हम आईलिड बोलते हैं, वो एक शटर का काम कर रहा है, अगेन एंड अगेन अप एंड डाउन करता है ताकि हमारी आई के अंदर ड्राइनेस ना रहे, एक मॉइस्चर हमेशा प्रेजेंट रहे। इसके अलावा मैं आपको बता चुकी हूँ कॉर्निया और हमारे लेंस के बीच में एक्वस ह्यूमरस है, जो कि वाटरी लिक्विड है जो कि आई को लिविंग रहने में हेल्प करता है। दूसरी तरफ लेंस और रेटिना के बीच में वर्चुअस ह्यूमरस है जो कि सपोर्ट करता है हमारी बैक आई आई को। तो इस तरह से ये सिर्फ स्ट्रक्चर है हमारे किसका, आई लेंस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप डायग्राम के थ्रू से बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।